परिचय। मैं हरि प्रताप सिंह जादौ हूँ, गुजरात से। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ जी। सर जो विशेष मुद्दा क्या है आपका? मेरा विशेष मुद्दा आरक्षण है, मेरा नहीं मेरे संगठन का ही यह मुद्दा रखा गया है कि आरक्षण। जी सर, आरक्षण की लड़ाई किस प्रकार से, आरक्षण किस प्रकार से आपको चाहिए? जैसे कि आरक्षण व्यक्तिगत है, उसको व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, जातिगत जातिवाद की तरफ नहीं जाना चाहिए वो। जैसे कि हर कौम में गरीब अमीर है, उस तरीके से लिया जाए उसको। जैसे कि आज हर जगह आरक्षण के लिए लड़ाई नहीं, सभी जगह चालू होगी, क्योंकि सभी जगह लोग त्रस्त हो गए इससे, और आगे वाले आने वाले टाइम में ना एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले रही है। सर आरक्षण, सर आपको क्या लगता है कि आरक्षण देना चाहिए, आरक्षण को देश से नाबूद कर देना चाहिए? नहीं, आरक्षण एकदम हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये आरक्षण ओनली फॉर 10 साल के लिए रखा गया था, आज 70 साल हो गए, सब तो पिछड़ा पर खत्म हो गया होगा। आपको, आप किस प्रकार के आरक्षण के सरकार से मांग रखते हो? मैं चाहता हूँ कि जैसे 90% 90% 5 जो लेके आ रहे हैं, 92% 97% के जो लोग हैं उनको अच्छी जॉब दी जाए, उनको सड़कों पे केले की लारियां लगानी पड़ रही हैं, वो नहीं लगानी पड़े, जो कि हमारे लिए बहुत ही शर्म वाला बात है। और आगे चल के यदि जैसे कि हमको जॉब नहीं मिली तो आगे चल के लोग बाग गलत रास्ता अपना लेंगे। जी अगर सरकार से आपकी मांगे है जो आप चाहते हो कि आपको सरकार अगर आरक्षण देती है तो किस प्रकार से सरकार आपको आरक्षण दे? जैसे मैं ये चाहता हूँ कि हर समाज के अंदर गरीबी और अमीर तो लोग रहते ही हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो, तो उसको देखा जाए कि ये किस तरीका से है, उस तरीके से उसको आरक्षण दिया जाए। सर देखा जैसे कि देखा जाए तो राजपूत समाज हमेशा आरक्षण का विरोधी रहा है, सर आप आज आरक्षण की मांगे कर रहे हो? आज टाइम बहुत टाइम बीत चुका है, पहले 10 साल के लिए किया गया, अब वोट बैंक बनने के लिए, राजनीतिक खेल खेलने के लिए लोगों ने इसको बड़ा बड़ा के आज 70 साल हो गए। अब तो मेरे को लग रहा है कि आरक्षण की किसी को जरूरत नहीं है और आरक्षण एकदम भी हटा दिया जाए। सर अगर सरकार की मांग, सरकार से आप मांग करते हो, हमारे चैनल के माध्यम से अगर सरकार को गुजारिश करते हो कि अगर आरक्षण मिले तो आपको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, किसके आधार पर आपको आरक्षण दिया जाए? मैं तो बोलता हूँ कि आरक्षण अभी दिया ही नहीं जाए, ना तो आर्थिक आधार पर ना कोई भी आधार पर, आरक्षण को हटा ही दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से जो बच्चा पढ़ रहा है उस तरीके से उसको जॉब दिया। जो गुजरात के बहुचर्चित चेहरे उनसे हम तीखे सवालों पर भी बात करेंगे। जी अभी बात चल रही थी आरक्षण के मुद्दे पर। जी जी, आप एक ब्राह्मण समाज से आते हो। जी, आप लोगों ने भी आरक्षण का विरोध किया है। जी जी, आप अगर क्या चाहते हो कि अगर आरक्षण मिले तो किस प्रकार से मिले? देखिए सर्वप्रथम तो मैं मीडिया न्यूज चैनल के मेरे मित्र अरुण कुमार वर्मा को मैं खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे साथ राष्ट्रीय राजपूत माँ भवानी सेना के जो है के मंडल प्रदेश अध्यक्ष जो है के मेरे मित्र, काफी मेरे नजदीक मेरे यार हैं, जिनका नाम महावीर सिंह जादौन है। आरक्षण का ये जो मुद्दा है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि किसी जाति के किसी भी वर्ण के अंदर से आरक्षण को खत्म करके इन समाज के लोगों को आरक्षण दिया जाए, नहीं मैं ऐसा नहीं कहता हूं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर ब्राह्मण और क्षत्रिय सबको बनना है, और सब लोगों को ब्राह्मण क्षत्रियों को ही गाली देना है, सिर्फ और सिर्फ राजपूतों को ब्राह्मणों को ही गालियां दी जाती है, ऐसा क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूं। आज जो कुछ भी संसार के अंदर घटित हो रहा है, चाहे आरक्षण का मुद्दा ही हो, सबसे पहला अहम मुद्दा है जो आरक्षण के विषय में आपने अरुण जी मुझसे बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आप आर्थिक स्थिति पे मांगना चाहते हो आरक्षण, के जाति तौर पर आरक्षण मांगना चाहते हो, तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि समाज के अंदर, प्रत्येक समाज के अंदर गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चे भी आज इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं लेने के बावजूद भी जो है कि वो जो है कि बेरोजगार घूम रहे हैं, शिक्षा होने के बावजूद भी नौकरियों से वंचित हैं। तो मैं आज भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के विरोध पक्ष के लोगों से, भारत के समग्र नागरिकों से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा? इन युवाओं को, हमारे बच्चों को शिक्षा लेने के बावजूद भी आज जो ये चीज नहीं मिल रही है, आज उनको नौकरियां नहीं मिली है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? मैं भारत के संसार के सिर्फ क्षत्रियों और ब्राह्मणों का सवाल नहीं है, अर्ण वर्ण के भी लोग हैं, तो आप बताइए कि किस तरह हम लोग जिए। आपकी मांगे सरकार से कुल मांगे क्या है? अगर सरकार आपकी मांगों को अगर मानती है, सरकार आपको आरक्षण देती जी, है जी, तो किस प्रकार का आप आरक्षण लेना चाहेंगे? जी मैं यही कहता हूं कि जो अच्छा है, जिसके परसेंटेज अच्छे हो, जो पढ़ाई में अच्छा हो, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि क्षत्रिय ब्राह्मण
पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो भी आप ले लो, नहीं, जिसकी योग्यता अच्छी हो, जिसके गुण अच्छे हो, जिसके परसेंटेज अच्छे हो, उस जाति को आप ले लो। नहीं, ऐसा ना हो कि जी, मेरा तो यही कहना है, मैं तो ये चाहता हूं कि आरक्षण को पूरे हिंदुस्तान के अंदर से आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, और योग्य अनुसार किसी भी समाज का वो लड़का हो, किसी भी समाज की हमारी बच्ची हो, हम प्रत्येक समाज का सम्मान करते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि ब्राह्मण को नौकरियां दे दो, क्षत्रियों को आप नौकरियां दे दो, ऐसा नहीं। 90% 95% लाने वाला बच्चा जो है कि आरक्षण के मुद्दे के कारण वो जो है कि योग्य जगह पर नहीं जा रहा है, और 40% लाने वाला विद्यार्थी जो है कि उससे क्वालिफाइड कर जा रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है? नहीं, जैसे कि हाल ही में तो नहीं, हिंदुस्तान के अंदर ब्राह्मण और क्षत्रियों को आरक्षण देना चाहिए, मैं ऐसी इस चीज से नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आरक्षण को आप अब तक कितने वर्षों से ढाल बना के जियोगे? आखिर इन समाज के लोगों को भी आप जीना देना चाहते हो कि नहीं? जो 70 वर्ष पहले जो क्षत्रिय और राजपूत और ब्राह्मण थे, क्या क्षत्रिय राजपूत ब्राह्मण अब वही रह गए? मैं भारत के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप धर्म और जाति के नाम पर हिंदुओं को विभाजित मत करो, किसी भी वर्ण का, किसी भी समाज का, चाहे बाबा सिंह भीमराव अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे परशुराम जी को मानने वाला व्यक्ति हो, मैं किसी भी समाज के व्यक्तिगत तौर पे से किसी की चर्चा न करते हो, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि योग्यता के अनुसार पे, आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से, आर्थिक स्थिति के हिसाब से जो है